आई थिंक बड़ी ईद के बाद हर कोई बारबेक्यू करने चाहिए। मेरी हर वॉइस ओवर में ये तो होना ही होता है। एनी हाउ, मौसम बहुत अच्छा था, बड़े मज़े की बारिश हुई है, तो हमने डिसाइड किया कि अमेरिकन सिस्टम से हम बारबेक्यू करने वाले हैं। और अगर आपने ऐसा पहले कभी नहीं सुना तो आज के व्लॉग भी देख भी लेगा। आई एम श्योर यू हैव लॉट्स ऑफ फन। वेल, द सन इज अबाउट टू सेट एंड वी आर गोना डू अ बारबेक्यू टुडे। सो या, इफ यू इंटरेस्टेड देन लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। Assalamualaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So in today's video, I'm gonna share with you a vlog, of course, that we set up a barbecue और क्या क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है। Nobody has arrived yet, but मैं full on glam ready हूँ। So yeah, let's see क्या होता है। मेरे साथ बने रहे, I'm sure we're gonna have lots of fun, ठीक है ना? Oh my god, the way sun is hitting my face, amazing. आप में से कितने लोगों ने बारबेक्यू की फायर को स्टार्ट करने एक्सपीरियंस किया? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। आग कोयलों पर शुरू करना, स्पेशली जब आपके पास पेट्रोल ना हो, तो थोड़ा मुश्किल काम होता है। एनी हाउ, मैंने स्टार्ट कर ली थी और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने टेक ओवर किया था। यकीन माने, बेचारा सारा टाइम बैठ के बारबेक्यू बताता रहा। ही इज़ सच अ नाइस मैन। अच्छा जी, बारबेक्यू स्टार्ट हो गया है और कहाँ तप गया था। एनी हाउ, दो गिटियाँ थी हमारे पास और हमारी फैमिली में जितने लोग थे ना, सब ने मिल के ही किया था। और अपना अपना चिकन था उनका, अपना अपना सब कुछ था, बट सब लोग मिल के एक ही जगह जब हम बना रहे थे, एक ही जगह खा रहे थे, और बस यही गपशप होती है, अलग अलग होता है और यही मज़ा होता है। बस इकट्ठे बैठना होता है, किसी एक बंदे पर बर्डनाइज नहीं होता। अच्छा, वन मोर थिंग आई डिड ऑल्सो, आई बेक सम पोटैटोज ओवर द कोल्स। ये क्या है कि आप सिल्वर फॉइल लेकर पोटैटोज पे थोड़ा सा ऑयल लगा के, तो आप कवर करके तो कोयलों के बीच में ही रख दें, और जब वो आलू आहिस्ता आहिस्ता बेक होते हैं, इतने मज़े का टेस्ट लगता है, स्पेशली विद द बारबेक्यू। ऊपर मैंने बनाई थी सावर क्रीम, तो वो बनाना भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपने दही लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी मेयोनीज डालनी है, नमक, काले मिर्च डालनी है, और थोड़ी सी अगर क्रीम डाल लें तो ज़रा क्रीमीनेस आ जाएगी। तो सावर क्रीम रेडी हो जाती है। जब ये बेक पोटैटोस गरम गरम होते हैं, तो इनको काट के दरमियान पे से ऊपर से सावर क्रीम डालें और साथ बारबेक्यू के खाएं, बच्चों को तो बहुत मज़े के लगते हैं। सो दिस इज़ द वन डिफरेंट थिंग आई मेड एवरी टाइम आई डू बारबेक्यू। और मेरी बेटी तो माशाल्लाह बहुत शौक से खा लेती है, क्योंकि बारबेक्यू थोड़ा सा स्पाइसी होता है उसके लिए। सो इस तरह की कॉम्प्लीमेंट्स जो होती हैं, वो फिर उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर देती हैं और वो पेट भर के खा लेती है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है। अच्छा जी, हमें तकरीबन 2 से 4 घंटे लग गए थे रात को बारबेक्यू करते हुए। मैं ज़्यादा लोगों की पिक्चर्स नहीं बनाती, फिर प्राइवेसी इशू हो जाता है। एनी हाउ, हमने बहुत इन्जॉय किया, बारबेक्यू का बहुत मज़ा आया, और मुझे पता था मेरा कुछ हालत इसी तरह की हो जानी है काम करके, तो मैंने जो अपनी वीडियो की एंडिंग थी वो मैं पहले से रिकॉर्ड कर चुकी थी। सो वो मुलाजम, नाउ आई नो आई एम गोना फॉरगेट टू एंड माय वीडियो, सो आई एम मेकिंग दिस एंड पार्ट इन एडवांस। सो आई नो मैंने बोल जाना, और मैंने इतना थक जाना कि मुझे याद ही नहीं रहना कि आई हैव टू एंड द वीडियो। So hope you like my video. If you like, then don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. And if you are new to my channel, then hope you subscribe and stay connected. And if you are a buddy, then thanks for watching again. And before you leave, don't forget to check out these videos. They can also help you find out more about me and myself. So thanks for watching, guys. Allah Hafiz.